Hello students, class 8, your social book, Our Harmony. Now I am going to explain you second chapter of geography. Come to the second part, second chapter. Resources, land, soil and water. We are going to explain about our resources, प्राकृतिक संपदा जो हमारे पास होते हैं, भगवान या प्रकृति हमें देते हैं, land, soil and water. Abundant resources consist of non-living things like minerals, rocks, metals, land, soil and water. These are the free gifts of nature for the living organisms. Living organism हमारे सारे ये जीव सजीव तंत्र के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए ये एक गिफ्ट है. भगवान का मानिए या प्रकृति के मानिए, हमारे लिए ये सारे गिफ्ट हैं. The land, soil and water are the most significant abiotic resources on earth. हम इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण एबायोटिक रिसोर्सेस मानते हैं इसको, लैंड, सॉइल एंड वाटर. दे कैरी ग्रेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, नॉट ओनली ए कंट्री, सिर्फ एक देश की संपदा ये भूखंड की नहीं, पूरी पृथ्वी की, बट द होल अर्थ. द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए रीजन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेस. किसी भी एक भूखंड की अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी माना जाए या आर्थिक स्थिति को, गुणवत्ता को हम नापने की कोशिश करें, तो पहले तो हमें इसी रिसोर्सेज की, लैंड, सॉइल, वाटर, इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर हमें उनकी गुणवत्ता को नापते हैं. अगर किसी भूखंड में इन तीनों चीजों की बैलेंस में प्रेजेंस होता है तो उस भूखंड को या कंट्री को सबसे हम प्रॉस्परस कंट्री मानते हैं. दे एनकरेज ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन सेटलमेंट को अच्छा बनाते हैं, ह्यूमन मानविक जो स्थिति है वो उसको अच्छा बनाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छे से होते हैं. दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड. बट लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंड, सॉइल एंड वाटर इन डिटेल. सिर्फ ये इनऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसेस क्या करते हैं हमें प्लांट्स को, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, प्लांट्स को भी इनकरेज करते हैं, उनको ग्रोथिंग ज्यादा होती है, एनिमल्स को भी, फॉरेस्ट एरिया जहां पे ज्यादा रहेंगे एनिमल्स की प्रेजेंस ज्यादा रहते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी लॉन्गर पीरियड तक, किसी एक कंट्री के लॉन्गर पीरियड तक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी वो सिग्निफाइड करते हैं. कम लैंड रिसोर्सेस. लैंड रिसोर्सेस मीट मेनी ऑफ आवर बेसिक नीड्स एंड सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेवलपमेंट. Let us outline why land is considered such a major resource. Land को क्यों ऐसे सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है. Land is used to build homes, transportation lines and other requirements of a human settlement. किसी भी human settlement के लिए land को सबसे ज्यादा requirement होती है, क्योंकि आप सोचिए, आप आम चीजें, बहुत ही easy चीजें, कि अगर land नहीं रहेगा तो हम खड़े भी कहाँ पे हो जाएंगे. सबसे basic चीज जो है, हमें रहने खाने ठहरने के लिए हमें लैंड चाहिए. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल्स रियरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप ऑन लैंड. इसी लैंड के ऊपर डेवलप्ड होता है. देयरफॉर लैंड यील्ड्स फूड, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा एंड दस गिव्स अ सोर्स ऑफ बोथ सर्वाइवल एंड इनकम. हमें जिंदा रहने के लिए और इनकम के लिए ये सारे रिसोर्सेस में से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है लैंड रिसोर्सेस, क्योंकि इसी के थ्रू हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री हमारी डेवलप्ड हो सकता है, एनिमल्स रियरिंग हो सकती है, माइनिंग हो सकता है, इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डेवलप्ड होते हैं. लैंड प्रोवाइड अस विद मेनी सीनिक स्पॉट्स दैट ह्यूमन विजिट फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट. अब लैंड के ऊपर ही हमारे कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस रहते हैं, जैसे यहाँ पे हम भारत की बात करें, कश्मीर हो, केरल हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, या मेघालय हो, ये जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स होते हैं ये सारे इंसान घूमने फिरने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं. ये भी एक इकोनॉमिक हेल्प होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट के आना जाना होगा वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग या बिजनेस सेटअप होती है. तो ये लैंड इस सारी चीज़ को हमें प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, next part I will explain you next day. Thank you.